नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज बात करेंगे गणित क्लास 8 का पाठ 8 यानी अध्याय 8, और पाठ का नाम है राशियों की तुलना। तो इसके बारे में आज पूरा पढ़ा जाएगा, राशियों की तुलना क्या है, इसमें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको समझाने बताएंगे। और आज के जो टॉपिक है यानी आज जो पढ़ाया जाएगा वो प्रश्नावली 8.1 का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। तो इसके पहले देख लीजिए इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ऊपर ही लिखा हुआ है 8.1 के बगल में अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण, यानी पिछली कक्षाओं में आपने अनुपात के बारे में पढ़ा होगा। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है। इसके साथ साथ परसेंटेज यानी प्रतिशत का भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ा होगा। तो यही सारी चीज़ें आज के पाठ में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है इस पाठ में और भी काफ़ी चीज़ें, बहुत लंबा चैप्टर है, काफ़ी लंबा भी होने वाला है और वीडियो भी कई सारे इसमें बनेंगे तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। और 8.2 में है ये आपका, अगर देखेंगे तो इसमें लाभान भी है और चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल यानी साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीज़ें हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में अगर बोल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, और का इसका हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से इसका कई सारा चैप्टर प्रश्नावली है जिसमें इससे पढ़ेंगे हम। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 में क्या है, तो इसमें मेन जो है इसमें हमारा अनुपात निकालना है। निम्नलिखित जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसमें तीन क्वेश्चन है, तीनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसको हम बताएंगे आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 3:4 है, एक ऐसा अगर 2 लिखा हुआ है 3:4, इसको 3:4 बढ़ा, 2 बिंदी अगर रखी हुई है यानी 2 पॉइंट जैसे अगर लिखा हुआ है तो इसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का 15 किलोमीटर गति की गति से एक स्कूटर का 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी साइकिल की गति 15 किलोमीटर है और स्कूटर की गति 30 किलोमीटर है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो चलिए देखें इसको कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ हमने लिख लिया है, सबसे पहले साइकिल की गति दी हुई 15 किलोमीटर और उसके नीचे स्कूटर की गति का दिया हुआ 30 किलोमीटर। तो अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात सिंपल है, इसमें अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में, यानी 15 ऊपर रख देंगे और नीचे रखना है 30। कैसे, साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात निकालना था तो हमने ऊपर साइकिल की गति रख दिया है 15 किलोमीटर और नीचे क्या रख दिया है 30 किलोमीटर, किसका, स्कूटर की गति। अब दोनों की जो इकाई है यानी दोनों की यूनिट दोनों किलोमीटर में है तो उसको सेम ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे मीटर होता तो सबसे पहले हम दोनों की यूनिट को सेम करते, यानी दोनों को या तो मीटर मीटर में चेंज कर लेते या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी किलोमीटर में दोनों है तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब इसको हमको काटेंगे, तो काटेंगे यानी भिन्न भिन्न का सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी भिन्न का सरलीकरण। तो भिन्न का सरलीकरण आपसे अगर आपसे नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी हमारे चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने भिन्न का सरलीकरण कैसे किया जाता है, संख्याओं को काटा कैसे जाता है, इसका हमने आपको बताया हुआ है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपसे ये काटते बनने लगे। तो हम यहाँ पर 5 से काट रहे हैं तो 5 3 15 और 5 6 30 और किलोमीटर से किलोमीटर पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 3/6। अब इसको अगर और हल करते हैं तो एक फिर से कट रहा है, यानी 3 1 3 और 3 2 6। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते थे, 3 1 3 3 2 6 करके डायरेक्ट भी काट सकते थे, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया है। तो 1/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर 1 है नीचे क्या है 2 है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अनुपात। अनुपात बराबर कितना आ गया है हमारा, 1/2 या 1:2, कुछ भी लिख सकते हैं। 1:2 क्या हो जाएगा, साइकिल का स्कूटर की गति से अनुपात 1:2 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः अनुपात बराबर 1:2 होगा और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सबको करना है। तो अगर यहाँ पे यूनिट हमको ध्यान रखना है कि यूनिट अगर दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। इन दोनों की इकाई अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में दोनों एक होना चाहिए, या तो मीटर में है तो दोनों को मीटर में हमको चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से करना है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी में से एक आध और बता देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। तो अनुपात हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे कैसे निकालना है, अनुपात बराबर 5 मीटर और नीचे क्या है 10 किलोमीटर। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे काट सकते थे लेकिन तब तक नहीं काटना है जब तक दोनों की इकाई यानी दोनों की यूनिट जो दी हुई है वो दोनों सेम नहीं होती। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ऊपर मीटर में है और नीचे क्या है किलोमीटर में है,
तो या तो हम ऊपर वाले को किलोमीटर में चेंज कर लें, या तो नीचे वाले को हम क्या कर लें, मीटर में चेंज कर लें। तो हम सीधे सीधे इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, और मीटर में चेंज करने के लिए आपको यूनिट याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। जिसको नहीं याद है तो याद कर सकते हैं कि 1000 में 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे 1000 में, तो ये हो जाएगा 5 मीटर बटे 10 गुणे 1000, यानी 10 का गुणा 1000 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10000 आ जाएगा। तो ये मीटर ये भी हो जाएगा, पूरा पूरा मीटर में चूंकि गुणा कर दिए हैं इसलिए अब मीटर में हो चुका है। तो डायरेक्ट या तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया ऊपर 1 बचा और मीटर से मीटर दोनों कट गया। तो ऊपर कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है, 2 गुणे 1000। तो 2 गुणे 1000 मतलब 2000, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1000 मतलब 1/2000, और यही क्या हो जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा। यानी पहले हमारा 5 मीटर था, नीचे 10 किलोमीटर था, तो हमने सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, तो 10 गुणे 1000 हो जाएगा, यानी 10000। और सबसे यहीं पे हमने काट भी दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, 2 गुणे 1000, तो 2 गुणे 1000 मतलब 2000 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात अगर हम निकालते हैं तो अनुपात आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अनुपात बराबर 1/2000। 1/2000 लिखा हुआ है, मतलब उसका अनुपात का मतलब यही होता है कि 1/2000। यहाँ पे देखेंगे तो 1/2000 आ रहा है, इसका मतलब यही है 1/2। अगर 5/3 आ रहा है तो इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो मतलब 5/3 होगा। तो इस तरीके से इसको करना है। हमको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यूनिट जो है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए हमको। अगर नहीं है तो उसको हमको बनाना है, कैसे भी करके, गुणा करके, भाग करके, जैसे भी यूनिट होगा वो बनाना है हमको। तो मीटर में था, नीचे किलोमीटर में था, तो किलोमीटर को हमने क्या बना लिया है, मीटर में बना लिया है। उसके बाद काटना है, पहले नहीं काट देना कि आप अगर ऐसा काट दे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों की यूनिट ऊपर नीचे की बराबर कर लेनी है, उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन हमको हल करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd नंबर। अब इसी में क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर सी है, यानी 1 का C है, 50 पैसे का 5 रुपए के साथ अनुपात निकालना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैसे और यहाँ पे लिखा हुआ है रुपए, और पैसे और रुपए दोनों एक चीज़ नहीं होते हैं। इसका भी यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ये चीज़ आपको याद में रखना पड़ेगा, 1 रुपए बराबर कितना होता है, 100 पैसा। यानी 1 रुपए का अगर तोड़ेंगे तो 100 पैसा आएगा। तो 50 पैसा था और ये है 5 रुपए, तो हम यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा कि 50 पैसा है तो ऊपर लिख देते हैं 50 पैसे, और नीचे कितना है, 5 रुपए है, तो 5 रुपए लिख देते हैं। अब आपको पता है कि ऊपर पैसे है और नीचे क्या है, रुपए है, यानी दोनों इकाइयां यानी दोनों यूनिट जो है वो सेम नहीं है। और हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमेशा क्या करना है हमको, दोनों यूनिट जो है हमें सेम कर लेनी है, यानी एक तरह या तो पैसे पैसे में दोनों को चेंज कर लीजिए, या तो फिर उसको दोनों को रुपए में चेंज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 रुपए को पैसे में चेंज कर लेते हैं, तो 50 है तो 50 पैसे को वैसे ही रहने देंगे, और 5 रुपए को हमको पैसे में चेंज करना है। तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है, अभी हमने बता दिया है आपको, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 पैसे। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट गुणा करके काट सकते हैं। तो 50 पैसे पहले हम एक स्टेप और इसमें बढ़ा लेते हैं, तो 50 पैसे हो गया, और 5 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। यानी 5 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएंगे। अब इसको डायरेक्टली हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, तो सबसे पहले हम 0 से 0 काट देते हैं, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 0 उतार लेंगे, यानी और पैसे से पैसा कट गया, यानी 1/2 कितना आ गया, 10। और यही क्या हो जाएगा, अनुपात, अनुपात जो आएगा कितना हो जाएगा, 1/10 आ रहा है, मतलब 1/10 इसका अनुपात आ जाएगा। यानी 50 पैसे का 5 रुपए के साथ अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/10 का अनुपात आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, काटना तो आपसे बन जाएगा, नहीं बन रहा है तो वीडियो देख लीजिए, पीछे एक वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, भिन्न का सरलीकरण नाम से, तो उसको देख लीजिए।
और उसके बाद क्या करना है कि आपको यूनिट याद करके रखना है कि जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। ये सारी चीज़ें यूनिट याद रखेंगे और दोनों को ऊपर नीचे दोनों की यूनिट बराबर करना है, उसके बाद ही हमको काटना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। 3:4 है तो इसको प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, और 2:3 है तो इसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखें इसको कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन है 3:4, यानी 3:4 को प्रतिशत में बदलना है। अब आपको हल करना है, तो आपको पता है कि जब भी हम 3:4 लिखा हुआ है, मतलब 3:4 का मतलब क्या है, 3/4, इतना तो आप सबको पता है। इसके बाद क्या करना है कि इसमें सिंपल सा हमको 100 का गुणा करना है, 100 का इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, यही हमारा प्रतिशत आ जाएगा। 100 का गुणा करके हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 2 8, 2 बचेगा, काटना नहीं बन रहा है तो वीडियो देख लीजिए भिन्न का सरलीकरण वाला, तो 4 2 8 हो गया और 4 5 20, यानी 3×25, तो ये हो जाएगा इसका हल हो जाएगा। 25 3 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 75%, यही क्या हो जाएगा प्रतिशत, 75% इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 75% आंसर आ जाएगा 3:4 का, यानी 3:4 का। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन इसी में है, ऐसे ही 2:3 है तो 2:3 का भी परसेंटेज निकालना है। उसी तरह सेम करेंगे जैसा पहले वाले को किया गया था, 2/3 है, 2:3 का मतलब 2/3 है, और गुणे क्या कर देंगे 100, ये हो गया। अब इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 100 में 2 का गुणा किए तो कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, और उसके बाद 200/3। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 6 18, 2 बचेगा तो 3 6 18, दशमलव लगाएंगे तो 3 6 18, और 3 6 18 ऐसे ही आता जाएगा, यानी 66.66, या तो इसको हम क्या करते हैं 67 अप्रॉक्स लिख देते हैं, तो ये 66.76% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका हल, ये अप्रॉक्स में आ रहा है, अगर वैसा निकालेंगे तो ऐसा आता जाएगा 66.666, ऐसा करके परसेंटेज लगातार आता जाएगा, हल नहीं होगा तो हमने 2 बार लिख करके इसमें 7 बना दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यही हल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उसमें क्या करना है, जो अनुपात लिखा हुआ है तो उसको सही बटे में करना है, और बटे में लिख करके भिन्न के रूप में लिख करके उसमें 100 का गुणा करके हल कर देना है, तो आ जाएगा, तो ये प्रतिशत में इस तरीके से बदलना है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 25 में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये बहुत सा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दिया है कि 72% विद्यार्थी जो हैं गणित विषय में रुचि रख सकते हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं रखते हैं, तो आपको पता है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है, तो ये 100 में से 72% रुचि रखते हैं, तो जो रुचि ना रखने वाले उसकी संख्या निकालनी है, तो 100 में से 72 घटा देंगे तो 28% क्या हो जाएगा इसका, रुचि में रुचि ना रखने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमें क्या करना है इसमें कि 100 में से सीधा सिंपल सा 72 घटा देना, 72 दिया हुआ है, 72 रुचि रखते हैं तो 28% नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है कि एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो कुल मैच उस टीम में कुल कितने मैच खेले। तो क्या है इसमें कि एक फुटबॉल की टीम ने कुल मिलाकर के जितने भी मैच खेले उसमें से 10 मैच में उन्होंने जीता, और जो जीते गए मैचों का परसेंटेज था वो क्या था, 40 था, तो कुल कितने मैच उन्होंने कुल मिला करके खेला था, हमको निकालना है। तो चलिए देखें इसको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमने वहाँ पे लिख लिया है, सबसे पहले दिया हुआ है कि जीते गए मैचों की संख्या, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जीते गए मैचों की संख्या कितनी है, 10, यानी कुल मिलाकर के टोटल उन्होंने 10 मैच जीते हैं, और जिसमें से जीते हुए मैच का परसेंटेज जो था वो 40% था, यानी जो 10 है वो कुल मैचों का 40% है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि माना हमको समीकरण बनाना है, जैसे कुछ पहले कुछ दो पार्ट में हमने बना रहे थे, तो यहाँ पे मानेंगे माना कुल मैच की संख्या जो है वो यक्स है, यानी कुल मिलाकर उन लोगों ने यक्स मैच जीता था। तो अब यहाँ पे हमारा समीकरण बनेगा प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, समीकरण बनाना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, समीकरण अगर बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि कुल मैच कितना माना है, यक्स माना है। तो यक्स का 40%, यानी कुल मैचों का 40%, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए उसमें उतना परसेंट जितना निकालना है। जैसे हमको निकालना है यहाँ पे 50 का 40% निकालना है, तो 50 × 40/100 हो जाएगा। अगर हमको निकालना है 10 का 20%, तो 10 × 20/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हल करना है। तो हमको कितना कितना निकालना था, यक्स का 40%। तो यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा, और 40%, यानी 40% कितना है, 10, 10 के बराबर है। यानी कुल मैच क्या 40% कितना है, 10। क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि कुल मैच जितना जीता है, कुल मैचों की संख्या 10 है, जो कुल खेले हुए मैचों की संख्या का 40% है। तो यक्स का 40% हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इसको समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर का गुणा कर सकते हैं या तो काट भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 0 से 0 काट दिए, तो यह क्या हो गया, अब यहाँ पे 4 बचा, तो 4 का एक्स के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4x। और 10 का हम पक्षांतर, यहाँ पे नीचे 10 बचा हुआ है, चूंकि 1 0 कट गया पहले ही, तो 10 बचा हुआ है, 10 का पक्षांतरण करेंगे, इधर भाग में है तो उस पार जाकर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ये समीकरण कैसे हल करना है, इसके लिए बहुत सारे वीडियो पीछे आपको 2 पार्ट के वीडियो में मिल जाएंगे। तो समीकरण हल करना सीख लीजिए, क्योंकि गणित अगर आपसे तभी बनेगा जब समीकरण हल करना बनेगा। पक्षांतरण के क्या नियम होते हैं, पीछे 2.1 जो होगा वाला वीडियो है उसमें आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे कि 4x है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 10 का 10 का गुणे साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100, यानी 100 आ जाएगा। अब x इधर गुणा में है, 4 के साथ गुणा में है, तो हम 4 का भी पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो काटेंगे तो 4 × 1 = 4 और 25 × 100, यानी x बराबर कितना आ गया है, 25 आ गया है। अगर आपसे काटना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 100 में से 4 का हम भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं। तो 100 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे 25 ही आएगा। तो इस तरीके से यक्स बराबर हमारा आ गया है कितना, 25, यानी 25। और यही हमारे कुल मैचों की संख्या थी जो क्वेश्चन में पूछा था। तो कुल मैचों की संख्या हमने यक्स माना था, यहाँ पे यक्स का मान हमारा 25 आ गया है। तो लिख देंगे, अतः कुल खेले गए मैच बराबर 25 थे। तो इस तरीके से करना है। जीते हुए मैचों की संख्या दी हुई थी 10, क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 कितना प्रतिशत है कुल मैच का, 40% कितना है, 10, 10 मैच। तो यक्स हमने मान लिया कि माना कुल मैचों की संख्या कितनी है, यक्स है, तो यक्स का 40% बराबर कितना है, 10। ये बन गया हमारा समीकरण। और समीकरण को सिंपल हमने हल कर लिया है। हल करने में क्या किया, सबसे पहले 0 से 0 काट दिया है, यक्स का 4 के साथ गुणा किया तो 4x आ गया, 10 का पक्षांतरण किया, इधर भाग में है तो इधर आके क्या हो गया, गुणा में हो गया। अब इधर देखेंगे तो 4x है, 10 का 10 का गुणा साथ गुणा किया तो 100 आ गया, 100 फिर 4x का पक्षांतरण, यहाँ पे 4 का पक्षांतरण किया तो इधर गुणा में था, यहाँ पे देखें 4x के साथ गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और फिर काट करके x का मान निकाल लें, x का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, जीते गए मैच यानी कुल मिला के जितने मैच खेले उनकी संख्या हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखा करिए, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।